सो राइडर्स के लिए सबसे बड़ी दुविधा तब होती है जब ये डिसाइड करना होता है किसी भी राइड पर जाने के पहले कि क्या सामान लेकर जाना है और कैसे लेकर जाना है कि नहीं। सो अब तक मेरे पास सिर्फ एक राइनॉक्स का टैंक बैग था जिसका अनबॉक्सिंग वीडियोस आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखिए, लिंक आपको ऊपर आ रहा होगा। सो टैंक बैग के अलावा दो ऑप्शन और होते हैं, या तो आप टॉप बॉक्स फिट कर लीजिए या तो आप पैनियर्स फिट कर लीजिए। इवन पैनियर्स में भी हमें मल्टीपल ऑप्शन हैं, या तो आप एल्यूमिनियम के पैनियर्स इंस्टॉल कीजिए या फिर आप लेदर या फिर रेजिन के जो आते हैं उसे कैरी कीजिए, हार्ड लगे सॉफ्ट लगे जिसे कहा जाता है। और उन्हें माउंट करने के लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सैडल स्टे इंस्टॉलेशन। सो आज इस वीडियो में हम इंस्टॉल करने वाले हैं सैडल स्टे जो कि है ज़ाना इंटरनेशनल से। दो ही ऑप्शन थे मेरे पास, या तो ज़ाना या तो आरी के कस्टम सैडल स्टेज, पैनियर स्टे भी जिसे कहा जाता है, बट मैंने चुना है ज़ाना बिकॉज ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है। ये मुझे पड़ा अराउंड 2600 और हिमालयन के पड़ते अराउंड 3500। ओके सो चलिए इसे जल्दी से अनबॉक्स करते हैं और उसके बाद इंस्टॉल करते हैं। अगर स्क्रूज ओपन हो गए तो हम खुद से इंस्टॉल करेंगे, और नहीं हुआ तो फिर हम इसे लेकर जाएंगे किसी सर्विस सेंटर या फिर मैकेनिक्स के शॉप पे। ओके सो फर्स्ट लेट्स डू द अनबॉक्सिंग। सो विद दैट सेड, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ नितिन सिंह और आप देख रहे हैं मुंबई नितिन। और इस व्लॉग में ये एक्सेसरीज फिट करने के लिए मुझे हेल्प करने वाले हैं। आजा आजा। हे हाय गाइस, हाय गोपाल अंदा भाई ने मुझे देखा ग्लेस लगाने के, तो खुद अपना भी गया ग्लेस लेकर आया। अच्छा, कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? अच्छा, एकदम बढ़िया, एकदम डूड। चल जल्दी जल्दी इंस्टॉल करते हैं। वैसे इसको बुलाया इसीलिए कि वो स्क्रू खोलना है और ज्यादा कुछ नहीं। So guys, let's do the unboxing and see what is there inside the box. Okay. वैसे packaging तो काफी अच्छी है और पूरा पूरा ध्यान दिया गया है कि ये बेंड ना हो इम्पैक्ट लग पड़ने पर। सो दोस्तों कुछ इस तरीके से दिखता है ये सैडल स्टे। ये जो दोनों हैं यहाँ पर हमें बेसिकली यहाँ पर स्क्रू लगा के इन्हें फिक्स करना होगा, और ऐसे ही दो हैं ओके दोनों साइड फिक्स करने के लिए। एंड दिस इज कॉल्ड थ्रेड लॉकर, बेसिकली फेविस्टिक जैसा ही है। लेट्स सी कैसे इसका यूज करते हैं। इसके अलावा आपको एक और रॉड मिलता है जो कि बेसिकली आपके दोनों सैडल स्टे को कनेक्ट कर देगा। पीछे मडगर्ड पे लगता है ये ओके, और उसी के साथ आपको कुछ इस तरीके के दो सेट्स मिलते हैं ओके। बेसिकली सॉरी, ये जो है ये कनेक्ट होता है यहाँ पर ओके, और ये कनेक्ट होने के बाद बेसिकली ये जो है ये आपके जो बैग्स है या जो आपका पैनियर्स है उसे बेसिकली सपोर्ट देगा नीचे से, जो कि बहुत ही अच्छा है। हिमालयन के स्टॉक सैडल स्टे में आपको ये नहीं मिलता, मैंने तो कभी नोटिस नहीं किया हुआ। सो जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसे लगाएंगे, और ज़रूरत ना होने पर हम इसे निकाल के भी रख सकते हैं। एक डिसएडवांटेज इसका ये हो सकता है कि ये लगाने के बाद ऑलमोस्ट 4 से 5 इंच एक्स्ट्रा बाहर आ जाएगा ये, और शायद ट्रैफिक में आपको मैन्यूवरिंग करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी होने वाली है। सो अगर आप लगेज कैरी नहीं कर रहे हैं तो इसे आप निकाल कर रख सकते हैं ओके। सो लेट्स क्विकली इंस्टॉल दिस। ओके एक चीज़ और, ये जो रॉड है बेसिकली इसके साथ आपको कुछ स्क्रूज मिलते हैं। वैसे दो ही स्क्रूज की ज़रूरत पड़ने वाली है बिकॉज बाकी स्क्रूज जो है वो हम यहाँ से यूज़ करने वाले हैं। ये दोनों को निकालने वाले हैं, ये दोनों स्क्रूज को निकालेंगे और वापस इन्हें फिक्स करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर और एक वो साइड सेम पोजिशन पर दो ही स्क्रूज की ज़रूरत पड़ने वाली है, बट हाँ आई थिंक एक्स्ट्रा है सो बहुत ही अच्छी बात है। तो
कुछ है, बेसिकली टूल किट जो है वो रहता है यहाँ पर। सो ये सीट को हम निकालेंगे और जो स्टैंडर्ड टूल किट है उसी को यूज़ करके इसे ओपन करने की कोशिश करते हैं। खुल गया तो ठीक, नहीं तो फिर शॉप पे जाना पड़ेगा। ओके, सो बेसिकली दो एलन कीज हैं और इसमें इसको खोलने के लिए हम यूज करने वाले हैं ये। ओहो हो हो, खुल रहा है भाई, खुल रहा है नसीब, एक स्क्रू तो खुल रहा है। लेट्स ट्राई द अनदर वन। मैं हूं ना। खुल गया भाई, खुल गया। शाबाश। और टाइट हो रहा है ना। वैसे ये जो स्क्रू है, जैसे जैसे हम इसे ओपन कर रहे हैं ये और टाइट लग रहा है हमें। खुल गया ना, परफेक्ट। लेट्स डू द सेम थिंग अदर साइड आल्सो। और अब खुलने वाले हैं ये दोनों। ओके, वैसे एलन की इसे खोलना थोड़ा मुश्किल होगा बिकॉज इसके लिए आपको प्रॉपर टूल किट चाहिए। फिर भी आप इसे अपना काम चला सकते हैं, थोड़ी मेहनत लगेगी बट आपका काम हो सकता है। हो रहा है ना। सी द बैजिंग, मेड इन इंडिया, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। यस, वेरी गुड। सो ये है लेफ्ट साइड का सैडल स्टे और हमें बिना किसी वॉशर के जस्ट एनी नट बोल्ट के को यूज़ करते हुए इसे फिक्स करना है। ओके, और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, जो दो स्क्रूज हमने निकाले जहाँ से, बस उसी में डाल के इन्हें फिक्स करना है। ओके, सो मुझे लगा जो ये स्टैंडर्ड बोल्ट्स हैं इसे यूज़ करके हम उसे फिक्स कर सकते हैं, बट ये थोड़े छोटे पड़ रहे हैं तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं बोल्ट्स जो कि जाना के साथ प्रोवाइड हुआ है। ओके, ये थोड़े बड़े हैं, अगर आप साइज़ देखें थोड़ा बड़ा है इससे। ओके, सो लेट्स यूज दी। सो गाइस, एक प्रॉब्लम है, ये जो स्क्रू जो ज़ारा मोटर्स ने दिया हुआ है और जो हमारे पास इक्विपमेंट्स हैं, बेसिकली जो टूल किट है, उसके अंदर कोई भी एलन की इसमें फिट नहीं हो रही है। सो आई थिंक वो एक एलन की हमें लेना होगा। फिलहाल हम इसको लूज ऐसे फिट कर रहे हैं। सो आपको ये दो स्क्रू फिट करने हैं और एक स्क्रू यहाँ पर फिट करना है। इंश्योर कीजिए कि ये जो रॉड है ये इसके बाहर रहे। ओके, दोस्तों एक चीज़ ध्यान देना है आपको, जब आप ये फिट कर रहे हैं तो आपको इसे थोड़ा लूज रखना होगा। ओके, दूसरे साइड पे फिक्स करने के बाद ही आप इसे फिक्स कीजिए। सो थोड़ा प्ले आप इसमें रहने दीजिए। ओके, और सेम साइड आप और आप राइट साइड भी इसे फिक्स कीजिए और उसके बाद जब आप ये रॉड इस तरीके से जो इसे फिक्स करेंगे उस वक्त पहले इसे फिक्स करने के बाद फिर हम इसे फिक्स करेंगे, अदरवाइज़ ये जो रहेगा ये थोड़ा क्रूकेड हो जाता है कभी कभी ऊपर नीचे। ओके, सो जब तक गोपाल एलन की लेकर आता है तब तक मैं ये जो स्क्रू है इसे ओपन कर देता हूँ। ओके भाई, मिला? सुपर, दे। अरे वाह, स्क्रू भी दे, सुपर। चल जल्दी पार्क करके आ जा। चलिए अब राइट साइड पैनल्स को भी फिक्स कर लेते हैं। सो सेम वे दो स्क्रूज लगेंगे। ओके, और थर्ड स्क्रू जो होगा वो यहाँ पर जाके फिक्स होगा, यहाँ पर, ये इस तरीके से। इसे फिक्स करने के बाद चलिए अब इसे फिक्स करते हैं। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये जो पार्ट है इसे आप इसके बाहर ही रखिए, इसके अंदर मत डालिए। ओके, सो दैट्स इट।
कोई वॉशर की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट आप स्क्रू को फिट कीजिए और जो नट था, नट बोल्ट है, उसे आप टाइट कर दीजिए बस। तो चलिए इसे थोड़ा फिक्स कर देते हैं। फाइनली बारी है इसको फिक्स करने की, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर कुछ इस तरीके से। ओके, सो इसको फिक्स करते हैं और उसके बाद ये जो पार्ट है ये और यहाँ पर ये, इसे हम टाइट करेंगे। ओके, अदरवाइज़ ये जो होगा ये प्रॉपरली फिक्स नहीं होगा और शायद से थोड़ा टेढ़ा हो और प्रॉपर स्पेसिंग भी लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड प्रॉपर स्पेसिंग ना बैठे। ओके ओके, और इसे फिक्स करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं ये दो नट बोल्ट जो कि ज़ारा एक्सेसरीज़ के साथ ही आते हैं, और नट बोल्ट के साथ आपको वॉशर भी मिलता है, सो आपको वॉशर भी बाहर से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो इसे हम कुछ इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। कहाँ चला गया यार। ओके गाइस, सो कुछ इस तरीके से लुक आएगा। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं अभी ये दोनों थोड़ा अनइवन है। ओके, यहाँ पर थोड़ा गैप ज़्यादा है और यहाँ पर थोड़ा कम है, और बस अब बाकी के स्क्रूज़ को हम टाइट करेंगे और उसके बाद इसे एडजस्ट करेंगे। ओके, ओके गाइज, सो सैडल स्टे तो इंस्टॉल हो चुके हैं और बहुत ही परफेक्ट हुए हैं। इंस्टॉल करने में ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे लगे, बिकॉज हमारे पास एक एलन की नहीं थी तो वो हमें जाकर परचेस करना पड़ा, और उसके बाद गोपाल जाकर उसे लेकर आया और उसके बाद हमने इसे फिक्स किया। इंस्टॉलेशन बहुत ही सिंपल है, आप भी इसे अपने घर पर ही कर सकते हैं। हाँ, बट आपके पास नेसेसरी जो टूल किट है वो होना चाहिए, एंड इट्स वेरी ईजी। सो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो एक लाइक तो बनता है। प्लीज़ डू कमेंट एंड शेयर योर थॉट्स ऑन दिस। ओके, एंड दीज आर वेरी स्टर्डी सैडल स्टे फ्रॉम ज़ारा। ओके, जैसे कि मैंने कहा, हिमालयन के भी स्टॉक सैडल स्टेज आते हैं और वो आपको कॉस्ट करेंगे अराउंड 3,500। ये मुझे पड़ा अराउंड 2,600 में, जो कि मुझे काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव लग रहा है। सो फॉर नाउ, ओके, बाय बाय गाइस, बाय बाय, टेक केयर। ओके गाइस, सो जैसे कि मैंने कहा, मैंने इन्हें इंस्टॉल नहीं किए हुए हैं, बेसिकली मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ इंस्टॉल होते हैं। ओके, सो ये इंस्टॉल होगा कुछ इस तरीके से। सो जो सैडल बैग है वो आपका इसके ऊपर आके यहाँ पर प्रॉपर रेस्ट कर सकता है, पर जैसा कि मैं कह रहा था, ये थोड़ा ज़्यादा स्पेस लेगा, जो कि आपको डे टू डे कम्यूटिंग में बहुत ही मुश्किल होगी।